तो हेलो एंड वेलकम बैक गेमर्स। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेबीज नाइटमेयर सर्कस को। तो जैसे कि आपको पता होगा, इस गेम के दोनों स्टार्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, बस एक और लास्ट स्टार रह रहा है जिसे कंप्लीट करने के बाद ये गेम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राइस कॉर्नर में मुझे एक अजीब सा चीज़ मिला है जो कि एक अजीब सा प्लास्टिक का कवर है। मुझे नहीं पता ये कौन से एनिमेट्रॉनिक्स का पार्ट्स है, पर इसे देख के कुछ समझ में भी नहीं आता। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। ऊपर से एक जगह जो है, इस जगह में मतलब इस प्राइस कॉर्नर में एक स्लॉट जो है खाली है। इसका मतलब एक और चीज़ को हमें ढूंढना पड़ेगा। आज जो है हम लोग क्लासिक मोड को शुरू करने जा रहे हैं। आई होप कि ये मोड जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस गेम को मैं और लंबा खींचना नहीं चाहता। मैंने सोचा था इस गेम को मैं दो एपिसोड पहले ही ख़त्म कर दूंगा, पर ये गेम अभी भी चल रहा है। ये क्लासिक मोड जो है मैंने देखा है। सबसे पहले हम लोग इस जगह प्राइस कॉर्नर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या स्पेशल है। तो यहाँ पर टोटल 9 प्राइजेस है जो कि हमें मिलने वाले हैं क्लासिक मोड को कम्प्लीट करने के बाद। इस क्लासिक मोड को अगर हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं देन हम लोगों को पता चलेगा कौन है हमारे साथ जो कि खेलने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही अजीब सा वेलकम था नाइट वन में। तो अभी हमारा नाइट वन जो है शुरू हो रहा है, लेट्स सी। तो ठीक है, हम लोग अभी गेम में आ चुके हैं। ये बेसिकली फाइव नाइट्स एट 21 जैसा सिस्टम है। दरवाजे को हमें बंद करना पड़ेगा, कैमरे को चेक करना पड़ेगा। ये कुछ नया नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा। ये पर देखो, 3 एनिमेट्रॉनिक्स है, नाइटमेयर फ्रंट टाइम फ्रेडवेयर और सर्कस बेबी और बलोड़ा। आई थिंक तीनों एनिमेट्रॉनिक्स ही है और टोटल कुछ ज़्यादा खास कैमरे है नहीं, बस 3-4 कैमरे ही है। हम लोगों को बस दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा। एक सेकेंड, कुछ हो रहा है। हमें जो है रेडी रहना पड़ेगा, कोई भी कभी भी आ सकता है इस बारे में। ठीक है, अभी जो है फन टाइम फ्रेडी थोड़ा सा एक्टिव हो चुका है और बाकी के एनिमेट्रॉनिक्स अभी भी ठीक है। अभी बस ये नाइट वन है, ऊपर से 12 बजे है और ये एनिमेट्रॉनिक्स थोड़े बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं मुझे। तो मुझे रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी कोई भी आ सकता है। एक एनिमेट्रॉनिक्स ने मुझसे कहा था बस, तो पिछले वाले वीडियो में एक क्लू था, ही ऑलवेज कम्स बैक, मतलब जो है स्प्रिंग टैप का बात हो रहा है, तो वो शायद इस गेम में वापस आने वाला है। फन टाइम फ्रेडी जो है निकल चुका है, निकल के एक जगह में आ चुका है डाइनिंग एरिया में। मैं जो है उससे थोड़ा बहुत दूर बैठा हूँ, इसलिए मैं अभी सेफ हूँ कुछ टाइम के लिए। अभी जो है एक ही एनिमेट्रॉनिक्स निकला है अपनी जगह से। मुझे एक्चुअली नहीं पता यहाँ पर कोई वेंट है या नहीं, इस बात का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कैमरा जो मेरे पीछे है वो वेंट को लोकेट करता है, पर मुझे कोई वेंट दिखा नहीं और मैं पीछे जा भी नहीं सकता। ठीक है, देखते हैं बाकी के एनिमेट्रॉनिक्स कहाँ पर गया, मुझे दिख नहीं रहा। ओ, फन टाइम फ्रेडी कहाँ पर गया? अभी सब लोग सब कुछ ठीक है। ओके, तो फन टाइम फ्रेडी अभी भी डाइनिंग एरिया में है, उस साइड में जा चुका है। मतलब अभी जो है ये डाइनिंग एरिया को छोड़ के मेरे पास आने वाला है, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये मोड कुछ नया नहीं है, बस हम लोग दरवाजे के साइड में लाइट जला के देख नहीं सकते। बेसिकली फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 5 कस्टम नाइट है जैसा था। तो हम लोग इस दरवाजे को बंद कर देते हैं, ये अभी इस रूम में आने वाला है। ओके, तो नाइटमेयर सर्कस पे भी जो वो है वो भी इस साइड में आ चुकी है। मुझे दोनों दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि इस गेम में पावर ड्रेनेज बहुत जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी बस देखना पड़ेगा ये लोग कब जाते हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं ये लोग कैसे काम करते हैं। एक दो नाइट को खेलने के बाद हमें समझ में आ जाएगा ये एनिमेट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, ये दोनों जो है बिल्कुल मेरे पास आ चुके हैं। ये तो इसे एक बार देखो। एक अच्छी बात है इस गेम में, टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से अभी हमारे पास 80% चार्ज है। देखो एक बार, 3 बजे के टाइम पे 80% चार्ज है, मतलब बेसिकली 50-40% होता है, पर अभी बहुत चार्ज है हमारे पास। तो ये एनिमेट्रॉनिक्स जो है जा चुके हैं। हाँ, फन टाइम फ्रेडी बिल्कुल दरवाजे के पीछे है, तो मैं इस दरवाजे को खोलने का रिस्क नहीं ले सकता। सर्कस पे भी जो है जा चुके हैं। मुझे नहीं पता सारे के सारे एनिमेट्रॉनिक्स गए कहाँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर गए। 5-6 कैमरे हैं, पर मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा सब लोग गए कहाँ पर। एक सेकेंड, सब लोग गायब हो गए, देखो एक बार। तो कैमरा जो है घूमता है, आई थिंक कि कहीं पर, और कैमरे के साइड में कहीं पर खड़े होंगे ये लोग, या और भी कोई कैमरा है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली पता नहीं मैं कहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, और मुझे शायद नहीं करना चाहिए। एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं दोनों दरवाजे को बंद कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 4 बजे का टाइम है और हमारे पास 69% पावर है, जो कि मोर देन इनफ है इस नाइट को सर्वाइव करने के लिए। एक अजीब बात है कि मुझे कोई एनिमेट्रॉनिक्स दिख नहीं रहा। तो नाइट में बेलोरा जो है एयर वेंट में आ चुकी है, वेंट तो कहीं पर है नहीं और हमारे पीछे है ये कैमरा, मतलब शायद हम लोग पीछे मतलब मुड़ नहीं सकते बेसिकली, तो ये शायद आ नहीं सकती हमारे रूम के अंदर। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हमें बस ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये बेलून वही घर के अंदर आ चुका है। ओ माई गॉड, इसने मेरे बैटरीज को चुरा लिया। पर यहाँ पर कोई वेंट था मुझे एक्चुअली दिखा नहीं, अगर था भी तो हमारा पावर जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब ये नाइटमेयर फ्रेडबेयर हंस रहा है। अब जंप स्केयर के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5 ही बजे है, पता नहीं और कितने देर तक मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा।
अचानक से ये बेलून बॉय पता नहीं कहाँ से आ गया और आके मेरी बैटरी चुरा के ले गया। एक सेकेंड, ये पाँच कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं हो गया? हेलो, ये चीज़ है क्या, कोई मुझे बताएगा? कॉन्ग्रेट्स, यू गॉट गोल्ड कॉइंस। तो मुझे फिर से गोल्ड कॉइंस मिल चुके हैं, पर मुझे नहीं पता इनके साथ मुझे करना क्या पड़ेगा। और ये अजीब सा बेलून बॉय टाइप का क्रिएचर, मुझे नहीं पता ये है क्या। तो हम लोग अभी नाइट टू को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हुआ नाइट वन में। शायद कोई इवेंट था जिसे मैंने मिस कर दिया, अभी हमें पता चलेगा क्या मिस किया मैंने। क्या? नो 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 नो, ये क्या हुआ? ये मुझे रोक रहा है आई थिंक, पर ये है क्या चीज़? दिस इज़ लेम, बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग। क्या एक्साइटिंग नहीं है ये गेम? आई पर्सनली थिंक इट्स फाइन एज इट इज़। थिंक अबाउट इट बेस्ट फ्रेंड, दिस इज़ आवर लास्ट टाइम टू बी बॉन्ड, देयरफॉर योर डोर्स आर गॉन। इसका क्या मतलब हुआ मुझे नहीं पता, ये लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वेट नो, तो मतलब ये दरवाजे को बंद कर देगा आई थिंक, मतलब दरवाजे को छुपा देगा। आई डोंट वॉन्ट आवर लास्ट एक्सपीरियंस टू बी जस्ट बोरिंग क्लोजिंग डोर गेम, इट्स गुड नाउ गो ऑन नाइट टू। तो हम लोगों को शायद दरवाजे को और बंद नहीं करना पड़ेगा, इसने कुछ शायद चेंज कर दिया। पर ये बहुत ही अजीब बात है, ये बेलून बॉय भी नहीं है और नाइट में बेलून बॉय भी नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे करना क्या पड़ेगा। फ्लैश लाइट प्रेस शिफ्ट, ओके तो ये कुछ अलग है, मुझे नहीं पता मुझे करना क्या पड़ेगा यहाँ पर। तो मुझे शिफ्ट दबा के शायद इन एनिमेट्रॉनिक्स को एग्रेसिव होने से रोकना पड़ेगा। तो ये फान हुई बेलून बॉय के जैसा है या कुछ और है? ओके तो एक से ज़्यादा एनिमेट्रॉनिक्स है, तभी मैं सोचूं ये इतना आसान कैसे हो गया। तो इससे डोर क्लोजिंग गेम ही ज़्यादा आसान था। तो मुझे सारे एनिमेट्रॉनिक्स को वन बाई वन चेक करना पड़ेगा और एक सही पैटर्न भी है। ओके ओके, मुझे नहीं पता अपनी लाइट को बार बार फ्लैश करना पड़ेगा या नहीं। और सर्कस बेबी का आधा बॉडी कहाँ पर गायब हो गया मुझे नहीं पता, बहुत ही अजीब बात है। पता नहीं मैं कट क्या रहा हूँ, जंप स्केयर के लिए बस रेडी है ना। ओके ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ऑलराइट, तो ओ फ्रेडी कहीं पर जा चुका है। ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया यहाँ पर हो क्या रहा है। क्रॉल डब्ल्यू, क्रॉल फास्टर, प्लेस डब्ल्यू एंड शिफ्ट, तो बेसिकली ये फाइव नाइट्स से 25 के जैसा ही हो रहा है, जैसे कि हम लोग काम करने जाते थे उसके पहले जो सीन था। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? तो ओ मैंगल था आई थिंक या नाइटमेयर फॉक्सी, जो भी था उसने मुझे मार लिया। तो अगर एक अजीब सा साउंड मुझे भेंट में आता है तो मुझे रुकना पड़ेगा आई थिंक, रुक रुक के जाना पड़ेगा, देन हम लोग इस जगह से निकल सकते हैं। ओके तो एक अजीब सा साउंड आ रहा है आई थिंक, वो बिल्कुल मेरे सामने चल रहा है। ये जा चुका है आई थिंक, मतलब दो तीन बार साउंड करके ये चला जाता है। यस, हमें रुकना पड़ेगा, रुक रुक कर खेलना पड़ेगा, तभी हम लोग इस लेवल को कंप्लीट कर पाएंगे। जल्दबाजी में कुछ होता नहीं और शिफ्ट दबाने के रिस्क को मैं नहीं लेना चाहता, मैं बस धीरे धीरे चल जाऊंगा। फिर से आ चुका है, हमें बस रुकना पड़ेगा, रुक के वेट करना पड़ेगा जब तक ये चला नहीं जाता। ये जो है नाइटमेयर फॉक्सी हमारे साथ इस भेंट में कैसे आ गया मुझे नहीं पता। और ये जो फोटो है, मतलब जो कैरेक्टर है, ये स्कॉट कैसन जैसा नहीं लग रहा? तो अभी तक तो ये गेम बहुत ही अच्छा जा रहा है, एक मोड नहीं है, बहुत सारे नए नए मोड्स हैं जिसे हम लोग खेल सकते हैं। ठीक है, ये जा चुका है, मतलब तीन बार साउंड करता है देन ये अपनी जगह से निकल जाता है जहाँ पर भी जाता है। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, इसने मुझे देख लिया आई थिंक, या चला गया। तो इसे शायद पता चल गया था मैं इसके सामने आ रहा था, मैंने शिफ्ट को दबाया भी नहीं। तो मुझे बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ेगा, अगर मैं थोड़ा सा भी साउंड को सुनता हूँ तो शायद मुझे रुकना पड़ेगा ताकि ये मुझे पकड़ ना ले। लगभग मैं पहुँच चुका हूँ, अब थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जा चुका है, अब हम लोग जा सकते हैं, जल्दी से भाग के इस जगह से निकल जाते हैं। एक्चुअली मैं डर रहा हूँ इस मोड को खेलते हुए, ऐसा मोड मैंने पहले कभी नहीं खेला या खेला है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड में जो वेंट टीपीआर था वो ऐसा ही था, पर इससे थोड़ा सा अलग था। बस लगभग मैं पहुंच चुका हूं, यार ये मुझे बहुत रोक रहा है यहाँ पर। अगर मेरे सामने वेंट का एग्जिट है तो ये कैसे मुझे रोक सकता है मुझे नहीं पता। आर यू सीरियस ब्रो, थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है, हम लोग अभी भी पहुँच सकते हैं, अभी हम लोग मरे नहीं हैं। यस, हम लोग जो है इस तरह से निकल चुके हैं, हमारा एक और नाइट ओवर हो चुका है, ये एक्चुअली अच्छा था। कॉन्ग्रेट्स, यू गॉट फन टाइम फॉक्सी डॉल। तो यहाँ के डॉल्स बहुत अजीब है, मतलब यहाँ पर एनिमेट्रॉनिक्स भी बहुत अजीब है, आधा बॉडी नहीं है किसी का, आधा मतलब खोपड़ी
मतलब मैक्सिमम एनिमेट्रॉनिक्स टूटे फूटे हैं। अभी हम लोग नाइट थ्री को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि मैं नाइट थ्री को भी इस नाइट में कंप्लीट कर लूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो ठीक है गाइस, हम लोग गेम में आ चुके हैं। डोंट लेट देम सी यू। पता नहीं मुझे किससे अपने आप को बचाना पड़ेगा ताकि वो लोग मुझे देख ना ले। इन एनिमेट्रॉनिक्स से हिट्स आई थिंक, और मैं इन पॉट्स को जो है यह हुआ पर रख सकता हूँ, मतलब इधर से उधर कर सकता हूँ। फिर मुझे करना क्या है मुझे नहीं पता। मैं इसके सामने रख भी नहीं सकता ताकि ये मुझे देख ना ले, पर ये लोग तो मुझे देख रहे हैं। इन लोगों का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर कोई किसी का आई है जो कि मुझे देख रहा है, तो मुझे यहाँ पर कोई बड़ा पॉट चाहिए। ओके, मैं समझ गया मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मुझे छोटे पॉट को हटा के बड़ा पॉट रखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है मुझे देख रहे हैं आइस, तो मैंने उसे हाइड कर दिया। अब देखना पड़ेगा कहाँ पर और आइस है। अगर मुझे ये आइस दिखते हैं जो कि मुझे देख रहे हैं, तो मुझे इनके सामने एक पॉट को रखना पड़ेगा ताकि ये लोग मुझे ना देख पाए। पता नहीं ये एनिमेट्रॉनिक्स है कौन, शायद बी डी वेब्स या मिंडरीनस होंगे। ऐसा ही हो सकता है क्योंकि इतने सारे एनिमेट्रॉनिक्स इस गेम में कहाँ से आएंगे वरना। तो ठीक है, यहाँ पर एक और है जिसे मैंने हाइड कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने कहाँ पर गलती किया मुझे नहीं पता। तो शायद मुझे थोड़ा सा और ध्यान से देखना चाहिए था। तो ये बेसिकली बी डी वेब्स या बी डी वेब्स है जो कि हमें देखने वाले हैं, और मुझे इनसे बचना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ पर ये लोग हैं, देन हम लोग एक एक करके सबको मैनेज कर लेंगे। अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, और ये इंटेंस म्यूजिक बैकग्राउंड में पता नहीं क्यों बच रहा है। आई कैन डू दिस। तो टोटल 5-6 डैक्स है जिन्हें मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर जो आइस है ये बॉटल के ऊपर से देख रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब मुझे बॉटल्स के ऊपर भी देखना पड़ेगा, बस अंधेरे में ये लोग नहीं आते। ये छोटे छोटे जो बॉटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, इसके वजह से मैं मरने वाला हूँ आई थिंक। सब कुछ अभी तक तो सही चल रहा है। एक साथ शायद 2 से 3 बीडी रैप्स आते हैं, 3 शायद। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी मरने वाला हूँ फिलहाल। तो अभी हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, ये सब एक साथ आ रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर आ चुका है, एक साथ हम लोगों ने मैनेज कर लिया। मतलब मैं एक पॉट को जो है एक ड्रॉर से एक और ड्रॉर में ले आ सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस बचना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आ चुका है, मैंने जो है बहुत टाइम से ऊपर किसी को आते हुए नहीं देखा, सब लोग जो है नीचे आ रहे हैं। ये देखो 2 आ चुके हैं, मुझे जल्दी से एक पॉट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक और आ चुका है। ये पहले था या चला गया था मुझे नहीं पता। ये देखो, ओ माय गॉड, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो मुझे इनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इनकी वजह से मेरा कमेंट्री जो है बिगड़ रहा है, मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सब लोग अभी फ़िलहाल के लिए जा चुके हैं, कुछ टाइम के लिए शायद इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया या नहीं मुझे नहीं पता। और ये एनिमेट्रॉनिक्स के हेड किसके हैं मुझे नहीं पता, जो कि ये एंडोस्केलेटन्स मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये देखो, ये फिर से आ चुका है, मैंने जो है अपने पॉट को यहाँ पर रख दिया, बड़े बड़े पॉट्स को। ये छोटे छोटे येलो जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी कुछ किसी काम नहीं आते, और मैं इन्हें फेंक भी नहीं सकता। ये लोग बस जगह को कवर किए हुए हैं। ऊपर जो है ज़्यादा कुछ आते नहीं, जो बी डी रैप्स है ये ऊपर आते नहीं ज़्यादा, ये नीचे ही रहते हैं। तो इस बात का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी साइन दिखता है तो मुझे उस जगह को कवर करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, 3 बज चुके हैं और सब लोग पता नहीं कहाँ पर चले गए, बहुत टाइम से कोई आया नहीं। तो ये शायद राउंड 2 का वाइंडिंग है या नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ, या कोई शिफ्ट चेंज होने वाला है, कोई और नया एनिमेट्रॉनिक्स भी आ सकता है, कह नहीं सकते हम लोग कुछ। ठीक है, ये लोग फिर से आ चुके हैं। ठीक है, अच्छे से हमें ख्याल रखना पड़ेगा। 3 बज चुके हैं, मतलब ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं, और कोई मुझे दिख नहीं रहा बेसिकली। ओ नो, 2 आ चुके हैं यहाँ पर। तो जल्दी से हमें एक एक करके मैनेज करना पड़ेगा, मैं जल्दी काम कर भी नहीं पा रहा पैनिक की वजह से। ठीक है, यहाँ पर ऊपर फिर से आ चुका है, मतलब एक जगह में एक साथ 2 भी आ सकते हैं, तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी तक तो ऊपर कोई गया नहीं, तो ऊपर की जो पॉट्स है मैं नीचे ले आ सकता हूँ, पर उसमें ज़्यादा रिस्क होगा। देखो, एक एक करके ये सब जो है ऊपर जा रहे हैं। राइट में आ चुका है एक, ठीक है, ये पर आ चुका है। एक्चुअली मुझे ठीक से दिख नहीं रहा ये कहाँ पर है। अगर ये बीडी रैप्स येलो बॉटल के ऊपर आते हैं तो इनके आइस जो है ग्लो करना दिखता नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल फोकस करके रखना पड़ेगा अगर ये लोग बॉटल के ऊपर भी आते हैं तो।
लगभग हम लोगों ने इस नाइट को सरवाइव कर लिया, बस थोड़ा सा और सरवाइव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो कोई आया नहीं, यहाँ पर आ चुका है, एडवांस में मैंने उसे हटा लिया था, जो भी है। तो यहाँ पर इसका आई आ चुका है जो कि बहुत ज़ोर से चमक रहा था। अभी देखते हैं कहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक और आ चुका है, और एक सेकंड, नीचे भी एक है, मैंने मिस कर दिया था लगभग। पता नहीं ये लोग कितनी देर तक रहने वाले हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर तीन एक साथ आ चुके हैं। तो मैंने जो है ऊपर के रैक्स को कम्प्लीटली खाली कर दिया, अगर वहाँ पर दो आते हैं तो मैं फंसने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है लकीली। ऑल राइट, तो हम लोगों ने इस नाइट को कंप्लीट कर दी। ये नाइट थोड़ा बहुत यूनिक था, और मुझे नहीं पता मैं इस गेम को कितने टाइम से खेल रहा हूँ। कॉन्ग्रेट्स, यू गॉट गोल्डन बीडी पैप्स। तो हमें जो है गोल्डन बीडी पैप्स मिल चुके हैं, और इस गेम को पता नहीं मैं कितनी देर से खेल रहा था। आज के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।